दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भलसवा लैंडफिल साइट का किया दौरा। जी हां, आपको चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यानी कि गुरुवार को भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कूड़े के पहाड़ को हटाने के काम की पूरी प्रोसेस को देखा और अपना बयान जारी किया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भलसवा साइट का दौरा करने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि भलसवा लैंडफिल साइट पर 50 लाख मेट्रिक टन कूड़ा है। हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक 30 लाख मेट्रिक टन कूड़ा साफ कर दिया जाए। रोज 6000 मेट्रिक टन कूड़ा उठाना था, लेकिन 9000 मेट्रिक टन उठाया गया है। अगर यही स्पीड रही तो अप्रैल 2024 तक सारा कूड़ा उठा लिया जाएगा। दिल्ली में 11000 मेट्रिक टन कूड़ा रोज बनता है। इस कूड़े के पहाड़ को हटाने का पूरा कार्यक्रम अभी चल रहा है। इसे यहाँ पे एनजीटी के ऑर्डर के बाद 2019 से काम शुरू हुआ था। लगभग 80 लाख मेट्रिक टन कूड़ा यहाँ पे मौजूद था उस टाइम। अभी तक 2019 से लेके आज तक 30 लाख मेट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है। 50 लाख मेट्रिक टन अभी बाकी है। लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल के अंदर 30 लाख मेट्रिक टन कूड़ा हटाया, लेकिन अब दिसंबर तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि अगला 30 लाख मेट्रिक टन कूड़ा हटाने का। और हमें उम्मीद है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक पूरा जो 50 लाख मेट्रिक टन यहाँ कूड़ा बचा है, उस 50 लाख मेट्रिक टन पूरे कूड़े को हटा दिया जाएगा अगले साल मार्च अप्रैल तक। जो टारगेट था उससे दुगनी स्पीड पे अभी यहाँ पे काम चल रहा है। और अभी मैंने उसका रिव्यू लिया था और टारगेट इनका था कि डेली 6500 मेट्रिक टन कूड़ा उठना चाहिए, लेकिन 6500 की जगह कल जैसे 9000 मेट्रिक टन उठा है। और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इसको बढ़ा के 12-13 हज़ार मेट्रिक टन कूड़ा डेली उठना चालू हो जाएगा। तो टारगेट से डबल स्पीड पे काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक 30 लाख उठा देंगे और उसके बाद मार्च अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर देंगे। सर, नया जो कूड़ा लगा था आ रहा है यहाँ पे, क्या उसका 2000 उसका अलग से वो एडिशनली उसको डिस्पोज किया जा रहा है? उसका कोने में इंतजाम किया हुआ है, वो इसके ऊपर सोल्यूशन है। जैसे अभी दिल्ली में